मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। उत्तरी दिल्ली के सीलमपुर मौजपुर में नागरिक संशोधन कानून को लेकर आज विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। इनकी मांग है कि ये कानून वापस लिया जाए। विरोध के दौरान सलीमपुर जाफराबाद मौजपुर में पथराव हुआ, आगजनी भी हुई, बसों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में कई बार टकराव हुआ। प्रदर्शनकारी पुलिस पर पत्थर फेंकते रहे, पुलिस के तरफ से भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कई बार ऐसी स्थिति हो गई कि पुलिस को अपने कदम पीछे लेने पड़े, मगर इसके बावजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर भारी पड़ी। और तस्वीरें देख सकते हैं कि सड़कों पर पत्थर पड़े हुए हैं, गाड़ियां जला दी गई हैं, गलियों में देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारी पत्थर लेकर खड़े हैं। प्रदर्शनकारी उग्र हो चुके हैं और पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई है। सड़कों पर पत्थर पड़े हुए हैं, आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़ी संख्या में भीड़ उग्र हो गई है। कई मेट्रो स्टेशन सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिए गए हैं। लोग गलियों से निकलकर कभी सड़कों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं तो कभी गलियों में छिप जा रहे हैं। पुलिस से लगातार प्रदर्शनकारियों को सर्च ऑपरेशन चलाकर इन्हें पकड़ भी रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शांति बनाए रखने की अपील की है, मगर अभी भी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।